कार्तिक मास की पूर्णिमा साल भर में आने वाली 12 पूर्णिमाओं में विशेष महत्व रखती है। इसके विशिष्ट कारण यह है कि यह पूर्णिमा भगवान महाविष्णु के प्रबोधन के 5वें दिन आती है और इसी पूर्णिमा से ऋतु काल का परिवर्तन सृष्टि में नई सृजन की स्थिति को तैयार करता है। देखिए रिपोर्ट। पूर्णिमा तिथि इस बार सोमवार को कृतिका नक्षत्र में आरंभ तथा चंद्र दर्शन रोहिणी नक्षत्र में होने से इसकी संज्ञा महापूर्ण्य और महाकार्तिकी नाम से जानी जाती है। इस पूर्णिमा पर पितरों के निमित्त दीपदान, भगवान विष्णु के निमित्त विशेष साधना पूजन पाठ और भगवान शिव के अभिषेकात्मक पूजन सुख सौभाग्य में वृद्धि और दीर्घायु तथा धन धान्य की प्राप्ति तथा 7 जन्म पर्यंत धन की पूर्णता का आशीर्वाद प्रदान करती है। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है। इस पर्व में विशेषता ये मानी जाती है कि जब ये विशेष योगों में हो तो उसका महत्व बढ़ जाता है। आज कार्तिक पूर्णिमा पे सोमवार के दिन आरंभ में कृतिका नक्षत्र और चंद्र के उदय काल में रोहिणी नक्षत्र रहेगा। ऐसी मान्यता है कि जब इस प्रकार के नक्षत्र का संयोग पूर्णिमा तिथि पर होता है तो महाकार्तिकी और महापुण्य वाली पूर्णिमा मानी जाती है। इस दिन पितरों के निमित्त जलदान पिंडदान करने की मान्यता है। ऐसा कहा जाता है कि जब हम जलदान पिंडदान करते हैं तो परिवार में सुख शांति होती है। जिनके वंश की वृद्धि में अवरोध है उनके अवरोध समाप्त होते हैं, वंश की वृद्धि होती है। धर्मशास्त्रीय मान्यता के आधार पर हम देखें तो कृतिका नक्षत्र में और रोहिणी नक्षत्र में पितरों के साथ साथ यदि भगवान विष्णु और भगवान शिव का भी हम पूजन पाठ करते हैं तो 7 जन्म पर्यंत धन की कमी नहीं होती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन 3 महापश्चात अर्थात सिंह राशि के सूर्य में, कन्या राशि के सूर्य में और तुला राशि के सूर्य में जब पितरों का आगमन पृथ्वी पर होता है तो ये 3 माह आज पूर्ण हो रहे हैं। अर्थात आज कार्तिक मास के पूर्णिमा पर, शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा पर पितर अपना क्रम मध्यान्ह के बाद गमन करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि गमन के पूर्व संध्या काल में पितरों के निमित्त दीपदान करने से उन्हें उल्का रोशन का लाभ मिलता है, उनको मार्गदर्शन मिलता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जब पितरों को इस प्रकार की प्रकाशमान की स्थिति बनती है तो वे अग्रजों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। कार्तिक मास संपूर्ण रूप से दान धर्म, यम नियम, संयम का माना जाता है। इस दौरान यम के निमित्त दीपदान, पितरों के निमित्त तर्पण, भगवान विष्णु की पूजन और भगवान शिव के अभिषेक की भी मान्यता धर्मशास्त्र और पुराण में बताई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज।